तो गाइस आज हो चुकी 24 दिसंबर और 24 दिसंबर को आईपीएल 2021 को लेके गाइस अभी काफी सारी अपडेट निकल कर आ रही है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज गाइस अभी रोहित शर्मा को लेके गाइस रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उन अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और रोहित शर्मा को लेके क्या अपडेट है तो गाइस आज की इस वीडियो में हम साथ ही में बात करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ू इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 2021 के आईपीएल के लिए गाइस मुंबई इंडियंस से ट्रेड करना चाहते हैं और क्रिस लिन को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और गाइस अब मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करना चाहती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जैसे कि गाइस आप सभी को पता ही है कि अब यहाँ पे मेगा ऑक्शन के जो चांसेस है बहुत ज्यादा कम है और मिनी ऑक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो गाइस अब सभी टीम गाइस अब ट्रेड करना चाहेगी और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से रिपोर्ट है केकेआर की टीम ट्रेड करना चाहती है क्रिस लिन को। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो गाइस दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है सीएसके की ऑफिशियल की तरफ से। तो गाइस सीएसके की ऑफिशियल की तरफ से एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है जहां पे बोला जा रहा है कि सीएसके के सुरेश रैना आप सभी को 2021 का आईपीएल पूरी तरह से मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां गाइस यहां पे सुरेश रैना सीएसके की ऑफिशियल की तरफ से रिपोर्ट है कि सुरेश रैना आप सभी को 2021 का आईपीएल मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस इसके रिगार्डिंग आगे क्या अपडेट आती है अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई की तरफ से। तो गाइस बीसीसीआई की आज यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो गाइस अब बीसीसीआई की जो मीटिंग यहाँ पे आज होने वाली है उसका जो टाइमिंग है गाइस यहाँ पे 12 बजे से आप सभी को बीसीसीआई की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है आज 12 बजे से। और गाइस इसके ऊपर गाइस मैं आपको बता दूं आज की मीटिंग में आईपीएल 2021 को लेके गाइस यहाँ पे चर्चे होने वाले हैं, क्या मिनी ऑक्शन होगा, क्या मेगा ऑक्शन होगा एंड क्या टीम ऐड होगी या नहीं। तो गाइस यहाँ पे सारी जो अपडेट है आज हम सभी को देखने को मिलेगी और बीसीसीआई की मीटिंग 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की तरफ से। तो गाइस रोहित शर्मा की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि रोहित शर्मा दिसंबर के 30 तारीख को आप सभी को टीम इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां गाइस अभी इंडियन टीम को ज्वाइन करने वाले हैं रोहित शर्मा 30 दिसंबर को और रोहित शर्मा की तरफ से गाइस ये अपडेट अभी सामने निकल कर आ रही है। तो रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि रोहित शर्मा आप सभी को दिसंबर के 30 तारीख को इंडियन टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की तरफ से एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है जहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम यहां पे ट्रेड करना चाहती है सनराइजर हैदराबाद के केन विलियमसन को। जी हां गाइस यहां पे एसआरएच के केन विलियमसन को ट्रेड करना चाहती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। और गाइस अभी से चेन्नई सुपर किंग की टीम यहाँ पे कप्तान ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे एमएस धोनी 2022 का आईपीएल खेलने के बाद अब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग की टीम अभी से कप्तान की तलाश वो करना स्टार्ट कर चुके हैं और गाइस केन विलियमसन को वो अपना नेक्स्ट कप्तान बनाना चाहते हैं और इसी वजह से एसआरएच की टीम के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहती है चेन्नई सुपर किंग की टीम। हालांकि अभी तक की कोई अपडेट नहीं आई है एसआरएच की तरफ से, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को आगे अपडेट कर दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हसन की तरफ से एक और नई अपडेट निकल कर आ रही है जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से अपडेट है कि जैसे ही बीसीसीआई की मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी आईपीएल 2021 के ऊपर अपडेट आ जाएगी बीसीसीआई की तरफ से, वैसे ही गाइस यहाँ पे माइक हसन अपने काम में लग पड़ेंगे और गाइस यहाँ पे ऑक्शन की तैयारी वो पूरी तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि माइक हसन अपने काम में बहुत ही जल्द अब लगने वाले हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए ये काफी अच्छी खबर है। तो गाइस ये आईपीएल 2021 को लेके ये सारी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो की लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।